शिक्षा का हब कहे जाने वाले सोलन में नशा लगातार अपने पांव पसार रहा है, लेकिन पुलिस ने भी ठान लिया है कि वह नशे का काला कारोबार सोलन में पूरी तरह से बंद करके ही दम लेगी। इसीलिए वह लगातार नशे के खिलाफ अभियान छेड़े हुए है। वहीं सोलन पुलिस ने सुनसान इलाके में चल रही दवा की दुकान पर गुप्त सूचना के आधार पर छापा मारा और वहां से करीबन 90 प्रतिबंधित सिरप की बोतलें बरामद की हैं। लोगों का लगातार सहयोग मिल रहा है, उनसे प्राप्त सूचना के आधार पर वह लगातार नशे के कारोबार पर अंकुश लगाने में कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें एक केमिस्ट के दुकान में नशीली सिरप बरामद हुई है, जिसमें एनडीपीसी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। साथ ही नशे के कारोबारियों को चेतावनी देते हुए पुलिस अधीक्षक ने कहा कि वह नशे का कारोबार छोड़ दे, अन्यथा सलाखों के पीछे जाने के लिए तैयार रहें। सोलन की टीम्स काफ़ी एक्टिव हैं और ये संतोषजनक बात है कि हमें पब्लिक का काफ़ी सपोर्ट मिल रहा है हमारी जो नशे के खिलाफ लड़ाई है। आज जब हमें इन्फॉर्मेशन मिली एलआर यूनिवर्सिटी के पास जो केआर में है, वो एक एजुकेशनल हब है, वहाँ पे कोई मेडिकल स्टोर में ऐसे एनडीपीएस सब्सटेंस मिलता है, उपलब्ध करवाते हैं। हमारी टीम जब स्पेशल टीम ने वहाँ रेड किया तो उनके पास हमें 90 कोट स्पेन सिरप, जो एक प्रतिबंधित है जिसमें कोडीन फॉस्फेट करके सॉल्ट रहता है, हमें मिले। सिंस ये कमर्शियल क्वांटिटी है, भारी मात्रा है, हम इसको एनडीपीएस एक्ट में बुक कर रहे हैं और आगामी कार्रवाई एज पर लॉ की जा रही है। जैसे कि मैंने पहले बोला, ये इट इज़ ए हेल्दी साइन कि जब सोसाइटी सोच ले कि हमने नशे को जड़ से समाप्त करना है, हमारे को सोशल मेंबर्स लोग जुड़ रहे हैं, सिटीजन्स हमें इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, काइंडली ऐसी इन्फॉर्मेशन देते रहें, और जो ऐसे ट्रांजिट करते हैं, जो प्रोडक्शन है या जो सप्लाई करते हैं, हमको मिलकर इनको समाज से बाहर भगाना है। आपको बता दें कि पुलिस दिन प्रतिदिन नशे के काले कारोबारियों पर शिकंजा कस रही है। सोलन से ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल।